हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग, लगभग 80% लोग बासी खाना खा लेते हैं, रात का बचा हुआ खाना खा लेते हैं। रात को कुछ सब्जी बच गई, कुछ रोटी बच गई या अन्य चीजें बच गई तो उसको अगले दिन हम सुबह गर्म करके खाते हैं। ऐसा अधिकतर गाँव शहरों हर जगह देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 7 ऐसी चीजें होती हैं जिनको यदि आप बासा खाते हैं तो इससे आपको खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, आपका योर हेल्थ डॉक्टर में स्वागत है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ज्यादातर लोग रात को बचा हुआ खाना अगले दिन खाते हैं। इससे खाना तो नुकसान होने से बच जाता है, लेकिन हम अनजाने में कई सारी बीमारियों को बुलावा दे बैठते हैं। खासकर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें बासी खाना आपको काफी महंगा पड़ सकता है। आइए जान लेते हैं कौन कौन सी चीजें जिन्हें बासा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पहली चीज है अंडा। अंडे में सबसे ज्यादा साल्मोनेला होता है। साल्मोनेला एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कच्चे या अधपके अंडे पाया जाता है। इसकी वजह से बुखार, पेट में दर्द, डायरिया जैसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए अंडे को पूरी तरह पकाकर खाने की सलाह दी जाती है। खासकर फ्रिज में रखी बासी अंडे की सब्जी बिना गर्म करके नहीं खानी चाहिए। दूसरा है आलू। आलू को पकाने के बाद अगर लंबे समय तक ठंडा छोड़ दिया जाए तो इसमें क्लोरिस्टिडियम बोलुटिनम नाम का एक बैक्टीरिया पनपने लगता है। इस बैक्टीरिया की वजह से पेट में गैस, सिर दर्द जैसी परेशानी हो सकती है। तीसरी चीज है पालक। पालक में भरपूर मात्रा में नाइट्रेट पाया जाता है जो ज्यादा पकाने पर कार्सिनोजेनिक नाइट्रोसेमाइंस में बदल जाता है। इसलिए बासी रखे पालक को फिर से गर्म करके खाने से बचना चाहिए। जबकि बासी सब्जी को फ्रिज से निकालते ही खा लेने से पेट की बीमारियां, स्किन एलर्जी जैसे खतरे हो जाते हैं। उसके बाद अगली चीज है चावल। पके हुए चावल को रूम टेम्परेचर पर देर तक छोड़ने से इसमें बेसिलस सेरेस बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। बचे चावल को कई बार गर्म करके खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा भी हो जाता है। इसलिए रात के बासी चावल नहीं खाने चाहिए। अगली चीज है चिकन। कच्चे चिकन में भी साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है और बहुत देर तक रखने पर यह बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं। इससे बचने के लिए चिकन को माइक्रोवेव करने की जगह तेज आंच पर गर्म करना चाहिए जिससे यह अंदर तक पक जाए। बासी चिकन नहीं खाना चाहिए। उसके बाद है ऑयली फूड। ऑयली फूड को गर्म करने से इसमें हानिकारक केमिकल बनने लगते हैं जो सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर आपको इसे खाना ही है तो या तो आप इसे बिना गर्म किए खाएं या फिर धीमी आंच पर गर्म करके खाएं। ज्यादा गर्म करके ऑयली फूड को बासा नहीं खाना चाहिए। इसके बाद अगला है सी फूड। सी फूड को ज्यादा तापमान पर बार बार गर्म करने पर इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं जिससे बीमारी हो सकती है। सी फूड 2 घंटे से ज्यादा फ्रिज के बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो ये आपके सेहत को बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, आपको कई सारी बीमारी का न्योता दे सकता है। तो आज हमने 7 ऐसी चीजों के बारे में जाना जो कि बासी नहीं खाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आज की हेल्थ जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। घंटी के बटन पर दबाना ना भूलें ताकि आपको रोजाना इसी प्रकार से हेल्थ वीडियोस मिलती रहें। नमस्कार।